हमारी तीन बहनें जो के सेठ लीला राम की बच्चियां थी, तो उनको यानी के जबरन ही जैसे कहते हैं अगवा किया गया और उनका धर्म परिवर्तन, दहशतगर्दी खत्म करें। क्या हम लोग हाथ में बॉम्ब लेके बॉर्डर पे बैठे हुए? क्या हमारे बॉर्डर से या हमसे बरामद किया आज तक? पाकिस्तान की बुनियाद किस चीज पर थी? किस चीज पर? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम कहीं भी जाते हैं ना खाने पीने के लिए, और हमारे जैसे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो रेडियो पे जाते हैं, हमारा जो बर्तन है पानी के लिए पीने के लिए बर्तन है वो रेडी के बिल्कुल जैसे टायर है ना टायर के नीचे रखा जाता है, और वो भी आप समझ रहे हैं कैसा बर्तन। तो उसने 2 हफ्ते पहले कुरान शरीफ को जलाया था, तो उसके नतीजे में उसने फिर से इजाजत मांग ली। जब उसने देखा कि मुसलमान तो बड़े आराम से पागल हो जाते हैं, इनको तिल मिलाना तो बड़ा आसान काम है, तो उसने फिर से इजाजत मांगी स्वीडन की हुकूमत से कि उसे कुरान को जलाने की फिर से इजाजत दी जाए। हमारी पाकिस्तान की आर्मी वहाँ मौजूद ना हो तो इंडिया वाले जो है हमारे इज्जतों के साथ, हमारी पाकिस्तान की माओ बहनों के साथ जो है उनकी इज्जतों के साथ वो खेलेंगे, और उनके तहफ्फुज़ के लिए जो है हमारी पाकिस्तान आर्मी वहाँ पर रुकी हुई है। इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन ममालिक है, और वो हमारे साथ जो है वो हर उनका कोई मतलब दावा इस तरह नहीं जाता कि वो हमारे साथ जुल्म ज्यादा ना करें। इंडिया के जासूस आते हैं पाकिस्तान में, वो निज़ाम खराब करते हैं, जिनकी वजह से जो है हमें जो है वो एक्शन लेना पड़ता है। तो पाकिस्तान में सबसे फेमस चीज़ है कराची को लेके वो मोबाइल स्नैचिंग है। मैं गलत तो नहीं कह रहा कराची का, मैं तो लाहौर से आया हूँ, आप जब माइंड करें कि ये तो झूठ बोल रहा है। मैं गलत बात सच है, हमें खुद भी इस बात की शर्मिंदगी होती है। कराची के हालात ये हैं कि अगर हम दिन में 20 फोन बेचते हैं ना, तो मेरे अंदाजे से 7 से 8 बंदे यही आते हैं, यार फलानी जगह से छिन गया, फलानी जगह से छिन गया। तो इनके लिए जो है फिर एक के बदले हम जो है 10 जाने लेने के लिए जो है वो यकदम तैयार करो। जय हिंद दोस्तों। मणिपुर के अंदर जो हिंसक घटना हुई थी, जब पाकिस्तानियों से इसके बारे में पूछा गया तो भाई पाकिस्तान के जो पीपल है वहां पर उसका मजाक उड़ाने लगे। कल ही पाकिस्तान के अंदर सेठ लीलाराम है, उसकी 3 लड़कियों को जबरन घर से उठाकर उनका धर्म चेंज करके इस्लाम कर दिया गया है, बट इसके ऊपर कोई भी पाकिस्तानी मीडिया बात नहीं उठा रहा है। दूसरी ओर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बड़ी कड़ी रुखों में बयान देते हुए बोला कि जो पाकिस्तान पीओके कश्मीर से हर रोज टेररिस्ट सप्लाई कर रहा है उनके पास बिल्कुल बहुत कम समय बचा है, क्योंकि 2024 तक भारत पीओके को ले लेगा। दूसरी ओर स्वीडन के अंदर दोबारा फिर से परमिशन ले ली गई है कुरान को जलाने, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो 57 देश है मुस्लिम कंट्रीज वो एकदम से सड़कों पर निकल आते, तो उसके ऊपर पाकिस्तानी को भाई आपको पता है कि उनका जज्बा निकल कर आ जाता है, तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम बिना किसी आर्मी के खुद भी लड़ने जाएंगे। तो वीडियो देखिए आप लोग क्या रहे, कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद लिख दे। वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि हम वो हैं जिन्होंने 313 ने 1000 को शिकस्त दी थी 6 तलवारों के साथ। अच्छा। हमारा ईमान जिंदा है, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, जब तक हम जिंदा हैं कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान हमारा। लेकिन आप तो ड्रोन से वो होते हैं ना, जंगे होती हैं आप तो ड्रोन से होती हैं, अब तो जो है आमने सामने वाली घोड़ों वाली जंगे भी नहीं है। पीछे ना हटते थे, अगर मैदान जंग में अड़ जाते थे पांव शेरों की बीमारे दहशत के उखड़ जाते थे। तो क्या लगता है 2024 में कश्मीर किसका? इंशाल्लाह पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का ही रहेगा। तो पहले जो 4 जंगें हमने इंडिया से लड़ी, हर दफा हम क्यों हारे हैं? बेसिकली 65 के तो जीते हैं। किसने कहा 65 के जीते हैं? इधर आओ बेटा, आपने बैग पहना हुआ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आपको लगता है हम 1965 की जंग जीते हैं? सामने कैमरे में देखो। इंशाल्लाह जीतेंगे। नहीं जीते हैं 1965 की जंग? जीते हैं। अच्छा आप आओ, 1965 की जंग हम जीते हैं? बिल्कुल जीते हैं। आप बताओ? बिल्कुल जीते हैं। यहाँ पे सब कह रहे हैं कि हम 1965 की जंग जीते हैं, जबकि मैं आपको सच बता दूं हम 1965 की। एक बात मेरी सुन लें, ये जो पाकिस्तान है आज कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है, बिल्कुल इसकी इकॉनमी बिल्कुल नीचे है, जंग के लिए पैसे नहीं है, लेकिन यही मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, और ये 4 जंगें दूसरे मुल्कों के लिए लड़ चुका है। अफगानिस्तान के लिए कौन लड़ा है? अफगानिस्तान तो कहता है कि आप लोगों ने अमेरिका के साथ मिलकर, जब रशियन आए थे कौन लड़ा था? कौन लड़ा था? पाकिस्तान लड़ा अमेरिका के साथ भी, तो पाकिस्तान लड़ा था अमेरिका के साथ, पाकिस्तान लड़ा है आज तक किसी को, इसराइल को अगर किसी ने तस्लीम नहीं किया तो ये तो नुकसान किसका है? नुकसान किसी का भी हो, नुकसान तो हमारा। बुनियाद पर हम खड़े हैं ना, हमारी बुनियाद क्या थी? पाकिस्तान की बुनियाद किस चीज पर थी? किस चीज पर? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें भी फखर है, ला इलाहा इल्लल्लाह रहेगा इंशाल्लाह, हमारा मुल्क कायम-ओ-दायम रहेगा, कश्मीर इंशाल्लाह इंडिया हमसे कभी नहीं लेगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी लगाई है कि 2024 तक हम पाकिस्तान से कश्मीर वापस ले लेंगे, क्या आपको लगता है कि भारत कश्मीर हमसे वापस ले लेगा? हाँ, उनको बोले एक माचिस की तीली आगे हमसे ले जाएं, जो बोलेंगे हम करें। वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी तो कह रही है ना हम लड़ नहीं सकते, तो इंडिया कह रही है हम ले जाएंगे कश्मीर। पाकिस्तान आर्मी ना लड़े कोई बात नहीं, पाकिस्तान आर्मी का जवान खाली लड़ने के लिए रेडी नहीं है, हम सब रेडी हैं, हमारा कद देखें, हमारा हौसला जज्बा देखें, हम खुद चले जाएंगे उनको रोकने के लिए, फौज बैठती है तो साइड में बैठ जाए, हम हैं ना पाकिस्तान का, तो हर जवान मरने के लिए शहीद होने के लिए, पाकिस्तान अपने मुल्क के साथ जज्बा ही हमारी हमारा ईमान है, और इसी पर हमारा खात्मा हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई नहीं जाता, पाकिस्तान आर्मी भी नहीं जाती, तो हम हाजिर हैं, हम खुद चले जाएंगे। हमारी पाकिस्तान की आर्मी वहाँ मौजूद ना हो
तो इंडिया वाले जो है हमारे इज्जतों के साथ, हमारी पाकिस्तान की माओ बहनों के साथ जो है उनकी इज्जतों के साथ वो खेलेंगे, और उनके तफज के लिए जो है हमारी पाकिस्तान आर्मी वहाँ पर रुकी हुई है। इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन ममालिक है, और वो हमारे साथ जो है वो हर उनका कोई मतलब दावा इस तरह नहीं जाता कि वो हमारे साथ जुल्म ज्यादा ना करें। इंडिया के जासूस आते हैं पाकिस्तान में, वो निज़ाम ख़राब करते हैं, जिनकी वजह से जो है हमें जो है वो एक्शन लेना पड़ता है। इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन ममालिक है, और वो हमारे साथ जो है वो हर उनका कोई मतलब दावा इस तरह नहीं जाता कि वो हमारे साथ जुल्म ज्यादा ना करें। फौजी को कोई शहीद करते हैं, हमारी कौम को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनके लिए जो है फिर एक के बदले हम जो है वो 10 जाने लेने के लिए जो है वो यकदम तैयार करते हैं। इसमें कश्मीर भारत ले लेगा हमसे? कभी भी नहीं। वो तो कह रहे हैं, वो तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि 2024 में उनका एक ख्वाब है, ये ख्वाब तो वो रोज देख के सोते हैं, वो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जंग करनी पड़ी तो जंग भी करेंगे उनसे, शहादत हमारा जज्बा है, पाकिस्तानी वहाँ मुसलमान वहाँ है। आप भी आ जाए 2024 में, 2024 में इंडिया कह रहा है कि कश्मीर हमने ले लेना, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, वो चुप हो गए, वो नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, वो कह रहे हैं ले लेना, हमने नहीं ले सकता। कैसे नहीं लेगा? ले जाना बाजी, वो छोटा सा डब्बा तो नहीं है जो बक्से में डाल के ले जाएंगे। तो वो कैसे, वो फौजे भेजेंगे ले जाएंगे? वो फौजे ले जाएंगे कि ये ऐसे थोड़े जो लोड करके ले जाएंगे, ये जमीन है यहीं पड़ी रहेगी। कैसे बचाएं अपने कश्मीर को? इंशाल्लाह बचाएंगे, जंग लेनी पड़ेगी जाएंगे। तो जंग क्या हल है? हम तो इंडिया से दोस्ती की बात चाहते हैं, हम तो भाईचारे की बात चाहते हैं, हम तो नहीं लड़ना चाहते। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करना चाहते। हमने कभी कोशिश की है इंडिया से दोस्ती करने की? ये हमारे सियासतदान का काम है ना उसका। आपको क्या लगता है 2024 में क्या लगता है? हम उनको ये कहना चाहते हैं कि जैसे अभिनंदन को चाय पिलाई थी ना, हाँ। तो इंडिया की फौज को हम ऐसे चाय पिलाएंगे 2024 में। तो अभिनंदन को तो वो पार्लियामेंट में कह रहे थे कि अभिनंदन को छोड़ दो, इंडिया हमला करने वाला, हमारे हुक्मरानों के माथे से पसीने टपक रहे थे। नहीं, वो तो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इस वजह से हमने उसको छोड़ा था, हाँ। हमने दोस्ती का पैगाम दिया था इंडिया को, हम डर की वजह से नहीं दिया था। अच्छा, अगर इंडिया खुदा ना ख्वासा, मैं फिर कह रही हूँ, कश्मीर ले लेते हैं वापस, तभी हम ये कहेंगे हमने दोस्ती का हाथ निभाया और कश्मीर दे दिया? ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। हम कभी भी कश्मीर इंडिया को नहीं देंगे, क्योंकि हमारा एक फौजी 100 फौजी के बराबर है। कभी ये देख लो आप, तालिबान ने कोई, उसके पास कोई असला नहीं था, उसके पास कोई पैसा नहीं था, जज्बे से जंग जीती है। अमेरिका सुपर पावर है, कैसे भाग गया वो? अमेरिका तो खुद गया, खुद नहीं गया है, पाकिस्तान उसके साथ तालिबान के साथ मिला है तो गया है, अमेरिका खुद नहीं गया है। तालिबान तो कहते हैं कि तो भाई ये थी पाकिस्तान की एक कौम जो कि जज्बे के ऊपर इतना भाई फकर करती है। भाई इनको जो परमाणु बना रहे थे तो पाकिस्तानी उस समय बोल रहे थे भाई, इनके मिनिस्टर भी, कि हम भूखे रहेंगे, घास खाएंगे, बट परमाणु बम जरूर बनाएंगे। अब इनकी भाई जन्म लेते हैं पाकिस्तानी और चले जाते हैं, छोटे बच्चे बड़े होते हैं मदरसों में, भाई इनके पेरेंट्स पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मीडिया सब कुछ इनको सिखाया जाता है कि भाई पीओके कश्मीर जो है वो तो इनसे समझ ले रहा है कि कश्मीर तुम्हारा है, भारत के अंदर मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में किसी भी बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को कुछ नहीं पता, क्योंकि जो 1947 में पाकिस्तानी गए थे उनकी जो उस समय मानसिकता थी, आज वहाँ के 75 साल बाद भी किसी छोटे बच्चे से पूछते हैं तो आज भी सेम डिटो वही मानसिकता है। जो देश, जिस देश के नागरिक उस देश से प्यार नहीं करते, वहाँ के धर्म से प्यार करते हैं और धर्म के ऊपर भी वो खरे नहीं उतरते, उस देश का आल जो हाल है, आज जो बुरा हाल है, 1947 में भाई मुस्लिम देश बांग्लादेश भी बना था, आज उसकी इकोनॉमी देखिए, उधर अफगानिस्तान है वो भी मुस्लिम देश, उसकी इकोनॉमी देखिए और भाई पड़ोसियों की इकोनॉमी देखिए, आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई देश से प्यार करके भाई कोई भी देश चलता है या फिर धर्म से प्यार करके। आप लोग क्या रहे, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। जय जवाहर।